और टीवी 9 भारतवर्ष रूस यूक्रेन जंग की पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहा है। इरपिन के बैटल ग्राउंड में टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता सुमेरा खान मौजूद हैं। इरपिन में रूसी सेना ने आम लोगों को भी निशाना बनाया है। हालांकि जब रूसी सेना इरपिन से पीछे हट रही थी तो यूक्रेनी फौज ने भी जवाबी हमला कर रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। युद्ध के मैदान से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए वॉर जोन टॉप 9 में। यूक्रेन का इरपिन शहर रूसी हमले में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जगह जगह बर्बादी के निशान दिखाई दे रहे हैं। इरपिन के बैटल ग्राउंड से टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता सुमेरा खान ने बताया कि कैसे रूसी फौज ने यहां से निकल रहे लोगों को भी निशाना बनाया। इस गाड़ी को देखिए, इस गाड़ी में कितनी गोलियां लगी हैं गिनना मुश्किल है। इस तरह आम लोगों की गाड़ियों को कैसे निशाना बनाया गया है ये बताता है कि किस तरह की बर्बरता यहां हुई है इरपिन में। इस सड़क पर लोगों के साथ गाड़ियों में लोगों के घरों का सामान है, लोगों के बच्चों का सामान है, परिवार का सामान है, और वो सामान गाड़ी में भर कर इस शहर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त क्या कुछ उनके साथ हुआ है वो साफ तौर पर ये तस्वीरें बयां करती हैं। इरपिन में रूस के हमले में कई आम लोग भी मारे गए हैं। इरपिन शहर के एक पार्क से टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता सुमेरा खान ने बताया कि कैसे जंग के दौरान मारे गए लोगों को पार्क में दफना दिया गया। इस तरह से पार्क में लोगों को दफनाया गया जिनकी मौत हुई, जो इस युद्ध के दौरान मारे गए लोग उन्हें किस तरह से पार्कों में दबाया गया है। उन ज़्यादातर पूरा शहर एक मुर्दा शहर की तरह इस वक्त दिखाई देता है। हम आपको और तस्वीरें दिखाएंगे इस शहर की, जो आपको बताएंगे कि कैसे एक भरा पूरा शहर जिसमें 70,000 से ज्यादा लोग रहते थे कैसे एक मुर्दा शहर बन गया है। इरपिन में भारी तबाही मचाने के बाद जब रूसी सेना शहर से पीछे हट रही थी तो यूक्रेन की सेना ने जवाबी कार्रवाई कर रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने रूस के कई टैंक्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया। यहां से जब रिट्रीट किया है रूसी सेना ने तो रिट्रीट करते समय उन पर हमले किए गए हैं, और उस हमले में किस तरह से नुकसान पहुंचा है रूसी सेना को वो जरूर ये तस्वीरें दिखाती हैं। और इसी के बूते पर कहा जा रहा है कि यूक्रेन की जो सेना है उसका मनोबल बढ़ा है। रूस यूक्रेन में ऑयल डिपो को निशाना बना रहा है, जिसके जरिए रूस यूक्रेनी फौज की ऑयल सप्लाई चेन को काटना चाहता है। रूस ने यूक्रेन के शेपेतिविका में एक बड़े ऑयल डिपो पर हमला करके इसे पूरी तरह तबाह कर दिया है। इस हमले के बाद ऑयल डिपो से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। आग इतना भयानक था कि यहां से उठने वाली आग की लपटें काफी दूर से ही दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे ये आग पूरे इलाके में फैल गया। 13 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। यूक्रेन के ओडिशा में भी रूस ने एक बड़े ऑयल डिपो पर हवाई हमला किया है। रूस के हमले के बाद ऑयल डिपो में भयंकर आग लग गई। आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ऑयल डिपो पर रूसी हमले के बाद काफी देर तक धमाकों की आवाजें सुनाई देती रही। इस हमले में ऑयल डिपो को भारी नुकसान पहुंचा है। उधर ओडिशा में रूसी हमले के खतरे को लेकर रात भर अलर्ट सायरन भी बजता रहा। यूक्रेन की सेना ने कीव के बाहरी इलाके दिमित्रीवका में रूसी काफिले को हवाई हमला कर निशाना बनाया है। यूक्रेन के हवाई हमले में रूसी बटालियन के कई टैंक्स और दूसरे सैन्य वाहन पूरी तरह से खाक हो गए। ड्रोन के जरिए ली गई तस्वीरों में रूसी काफिले के कई बख्तरबंद गाड़ियां जलती दिखाई दे रही हैं। इस हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है। हवाई हमले का ये वीडियो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। कीव के बाहरी इलाके में रूसी सेना अब वापस दूसरे मोर्चे पर लौट चुकी है। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। कई रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के हवाई हमले में 34 नागरिकों की मौत हो गई है। यहां यूक्रेन के भी जवाबी कार्रवाई में रूसी काफिलों को निशाना बनाया है। यूक्रेनी हमले में रूस के फ्यूल ट्रक जलकर खाक हो गए। खार्किव में दोनों देशों की सेनाओं के बीच भीषण जंग चल रही है। रूस के हमले में कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के खेरसोन पर कब्जा कर चुका रूस यहां से यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर रॉकेट से हमले कर रहा है। खेरसोन से रूसी फौज ने निकोलेव की ओर रॉकेट दाग रही है। निकोलेव में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। उधर खार्किव के इजियम में यूक्रेनी फौज ने एयर स्ट्राइक के जरिए एक रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारत वर्ष पर।